कपराड़ा तालुका अंतरियाल बोरपाड़ा गाम खाते पीडी लाइफ रेस्क्यू युवा ग्रुप द्वारा रक्तदान केम्प नु आयोजन करवामां आव्यु हतु। कोरोना काल में ब्लड बैंक में उभी थयेली रक्तनी अछत दूर थाय ते माटे बोरपाड़ा गामे पीडी लाइफ रेस्क्यू युवा ग्रुप द्वारा रक्तदान केम्प नु आयोजन करवामां आव्यु हतु, जेमां युवानों ने उत्साह भेर रक्तदान कर्यु हतु। आ रक्तदान केम्प में भाजप युवा मोर्चाना उपप्रमुख बिपिन भाई राउत तथा शिबिरना आयोजक दीपकभाई भावर अने जाणीता समाज सेवक प्रफुलभाई कुरकुटिया अने स्थानिक धारासभ्य जीतुभाई चौधरी सहितना राजकीय तेमज सामाजिक अग्रणीओ उपस्थित रही रक्तदाताओने प्रोत्साहित कर्या हता। आजे कपराड़ा तालुकाना बोरपाड़ा गामे ब्लड डोनेशन कैम्प अमारा वलसाडी भसीनभाई देसाई भारतीय जनता पार्टीना प्रमुख अमरा तालुका पंचायत प्रमुख भाई मोहन भाई गरेल जिला कारोबारी अध्यक्ष भाई भाई आ विस्तार जिला पंचायत सभ्य बेन मीनाक्षी बेन तालुका पंचायत उपप्रमुख भाई गोपाल भाई अने बोरपाड़ा टोकरपाड़ा वानी चीजपाड़ा जे टीम है दीपक भाई अने तेना साथेनी आखी जे छोकराओनी टीम है ये आम जोईए तो वलसाड जिल्ला माटे इतिहास जेवु छे। कारण के कपराड़ा तालुकाने अंदर आ बॉर्डर एट्ले महाराष्ट्र की बॉर्डर अने ते बिल्कुल पार नदी किनारे उड़ाणवाला विस्तार में ब्लड डोनेशन कैम्प करवो ये खूब अघरू काम है। मैं अगाउ पण कीधुं कि कपराड़ा में 50,000 माणस भेगा करवाना है तो करी बताऊँ, पण 50 बॉटल ब्लड डोनेशन लावानो हो तो खूब अघरू काम है। कारण के जे अवेरनेस है ये अवेरनेस ये कपराड़ा विस्तार ने अंदर लोगों में अवेरनेस लावा माटे आ बोरपाड़ा ने बोरपाड़ा आजूबाजू जे नवयुवान मित्रों एमने अभिनंदन है। एटले अभिनंदन है कि आटला ऊंडाणवाड़ा विस्तार में होवा छता पण आगला वर्षे 24 जेटली बोटल ने आ वक्त ओछा में ओछी 50-60 बोटल ब्लड डोनेशन करवानो जे टार्गेट है खूब अभिनंदन ने पात्र है। एटलू अभिनंदन के જ્યારે જ્યારે કપરાડા વિસ્તારના લોકોને નાગરિકોને જરૂરિયાત પડે ત્યારે એ પોઝિટિવ જેવું બ્લડ આદિવાસીનું બ્લડ હોય એ બ્લડ ડોનેશન બેંકમાં પણ મળવું ખૂબ મુશ્કેલ પડે છે, ત્યારે ઇમરજન્સીમાં આ વિસ્તારના જે છોકરાઓએ બ્લડ ડોનેશનનો કેમ્પ રાખ્યો ને તે જ ખૂબ મોટી વાત છે અમારા માટે। ત્યારે મારા ભારતીય જનતા પાર્ટીની ધારાસભ્ય વતી હું ચોક્કસ એ લોકોને અભિનંદન આપીશ અને તેના સાથે એ વાત પણ કહીશ કે આ વિસ્તારનું જે કંઈ નાનું મોટું કામ હશે એ હું પ્રાયોરિટીના ધોરણે એટલે કરી આપીશ કે આવું કાર્ય કરનાર છોકરાઓ આ વિસ્તારમાંથી ઊભા થયા છે એ મારા માટે ખૂબ આશાજનક અને અભિનંદનને પાત્ર છે, જેથી આ વિસ્તારના બધા જ કાર્યકર્તા આજીવનો સરપંચો જેમણે પણ આમાં સહયોગ બન્યા છે ભાગ લીધો છે એમને બધાને